दोस्तों, बारिश के दिन जो हैं वो लग चुके हैं और बारिश के दिनों में हैवी वोल्टेज फ्लक्चुएशन आम बात हो जाती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये है मेरा UTL का गैमा प्लस और इसके डिस्प्ले के ऊपर, ओ माय गॉड गाइस, 259 वोल्ट जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं। और होता क्या है कि जैसे ही ये वोल्टेज लगभग 260 के ऊपर जाएगा, हमारे इतने सारे महंगे महंगे जो अप्लायंसेस लगे होते हैं, जो गैजेट्स होते हैं, ये खराब होने लगते हैं। तो उनको हमें जो है प्रोटेक्शन ऑफर करना होता है। और इसके लिए लास्ट टाइम मैंने क्या किया था कि हमारा जो इन्वर्टर होता है, जो गैमा प्लस है, आपका कोई और भी हो सकता है, उसके साथ में मैंने जो है एक स्टेबलाइजर कनेक्ट कर दिया था। अगर आपको वो ट्रिक अपनाना है तो उसका जो वीडियो है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। लेकिन आज हम क्या करेंगे कि उस वर्जन से थोड़ा और एडवांस जाएंगे। मैं चाहता हूं कि ये जो इन्वर्टर है, इसके साथ में हमारे घर के कुछ और जो अप्लायंसेस होते हैं, भाई फ्रिज होते हैं, जो वॉशिंग मशीन होते हैं, जो इस इन्वर्टर के ऊपर कनेक्टेड नहीं होते, उनको भी हम स्टेबलाइजर लगा के प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। तो कंप्लीट जो मैंने प्रोसेस है वो किस तरह से किया है वो आपको इस वीडियो में मालूम पड़ेगा। वीडियो ध्यान से पूरा कंप्लीटली देखते रहिए और साथ में गाइस देखिए कितनी सुंदर जो है बारिश हो रही है। तो बारिश के नाम पे एक लाइक लगा दीजिए और हम स्टार्ट कर देते हैं आज का वीडियो। एंड माय गॉड, इट्स ऑलमोस्ट 260 वोल्ट्स ऑन द डिस्प्ले। ठीक है जी, कर लेते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। 259। गाइस, जो स्टेबलाइजर है हमारा वो लग चुका है और इस बार जो स्टेबलाइजर मैंने लगाया है वो माइक्रोटेक का लगाया है। और गाइस, मैंने कई अलग अलग ब्रांड्स के कई तरह के जो स्टेबलाइजर्स हैं वो यूज़ किए हैं। माइक्रोटेक का किया है, ऑल्टेन का किया है। ये जो भी सारे स्टेबलाइजर्स हैं गाइस, इनके बाइंग लिंक, अगर आपको स्टेबलाइजर लेने हो और लेने से पहले अगर आपको इनकी डिटेल रिव्यू देखने हो, तो ये सारी चीज़ें आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिएगा। तो अभी तक आपने देखा कि भाई ये जो स्टेबलाइजर है इसको फिजिकली इंस्टॉल कैसे करें, इसको माउंट कैसे करें। अभी मैं आपको समझाता हूं कि इसको इलेक्ट्रिकली, मतलब जो पावर सप्लाई है कहां से कहां जाती है, कौन सी वायर कहां जोड़नी है, ये सारी जो बातें हैं वो हम समझ लेते हैं। ध्यान से पूरी बात ज़रूर सुनिएगा। तो गाइस, यहां पे आप देखिए फिजिकल इंस्टॉलेशन हो चुका है और ये है मेरा मेन्स का MCB डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स या फिर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल जो है ये कहते हैं। और यहाँ पे जो है मैंने गाइस लगा के रखा है ELCB। और ये जो चीज़ है ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। ELCB आपके घर पे ज़रूर लगाइए, क्योंकि ये जो है चीज़ है गाइस, ये शॉक वगैरह से बचाती है, तो अच्छी चीज़ होती है ये। और मैंने ये जो है यहाँ पे लगाई है। तो ये जो ELCB है, इसमें सबसे पहले जो घर का जो मीटर होता है, आपका जो डिस्कॉम की तरफ से जो मीटर आपको मिलता है, उसका जो सप्लाई है वो सबसे पहले इस उपकरण में आता है। ये ELCB है, एक तरह से ये प्रोटेक्शन डिवाइस है, आप MCB की तरह भी समझ सकते हैं इसको। तो सबसे पहले जो सप्लाई आएगा वो इसके अंदर आएगा फर्स्ट। अब इसका जो आउटपुट है, इसका जो सप्लाई बाहर निकलेगा, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। और डिस्ट्रीब्यूट क्यों किया, क्योंकि गाइस इसका जो लोड है वो हमें बांट देना है अलग अलग जगह पे। क्योंकि गाइस क्या होगा कि अगर ये लोड हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे और पूरे घर का लोड हम एक ही इस तरह के छोटे से स्टेबलाइजर पे लगा देंगे, तो क्या होगा कि ये जो स्टेबलाइजर है ये नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा। क्योंकि गाइस, क्योंकि हमारे जो एवरेज घर हैं उसके अंदर भाई AC भी होते हैं, गीजर भी होते हैं, बड़े बड़े उपकरण होते हैं, वॉशिंग मशीन होते हैं, जिनका पावर कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इतनी सारी चीज़ें अगर हम एक ही स्टेबलाइजर पे दे देंगे तो आपको जो स्टेबलाइजर है वो बहुत बड़ा लेना पड़ेगा। लेकिन आज के वीडियो का उद्देश्य क्या है, आज के वीडियो का उद्देश्य ये है कि हम एक मीडियम बजट का स्टेबलाइजर लेंगे, कम कैपेसिटी का स्टेबलाइजर लेंगे और प्रोटेक्शन कुछ ऐसे गैजेट्स को देंगे जिनका पावर कंजम्पशन कम है लेकिन कीमत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल लैपटॉप हो गए, कंप्यूटर हो गए, आपके LED TV हो गए, इस तरह की जो ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं, इनका कंजम्पशन भले ही कम होता है लेकिन जब ये चीज़ें खराब होती है ना, बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें जो है हम स्टेबलाइजर पे लगाएंगे। तो इसके लिए गाइज मैंने क्या किया, देखिए सबसे पहले जो सप्लाई आया इस ELCB में आया, नीचे से आता है सप्लाई और यहाँ से जो इसका आउटपुट निकला उसको हमने बांट लिया अलग अलग। देखिए जैसे किचन के अंदर कई ऐसे उपकरण होते हैं जिनको स्टेबलाइजर पे हमें नहीं लगाना है, जैसे बड़े बड़े ओवन होते हैं, मिक्सर ग्राइंडर होते हैं, इनको स्टेबलाइजर का कोई मतलब नहीं है। तो
तो वो हमने अलग कर लिया। उसके बाद में जो एसी होते हैं गाइस घर का, तो जो एसी है उसको मैंने इस एमसीबी के थ्रू जो है अलग कर दिया। तो इसका जो आउटपुट है ये अलग अलग जगह पे बट गया। अब देखिए आउटपुट में 3 एमसीबी लगा दी है और वो इसका आउटपुट लेंगे, एमसीबी में जाएगा और रिस्पेक्टिव जो भी उपकरण है भाई एसी होगा या जो भी होगा वहाँ पे जो सप्लाई है वो चला जाएगा साथ में। ओके, इसके आउटपुट में मैंने एक और कनेक्शन निकाला, चौथा कनेक्शन, और वो चौथा कनेक्शन है यहाँ पे। देखिए ये एक बोर्ड मैंने बना लिया है। अब ये जो पहला जो प्लग है मेंस टू स्टेबलाइजर, मतलब ये जो चीज़ है इसका जो आउटपुट निकलेगा, मतलब इसका प्रोटेक्शन तो रखा ही है मैंने, ये तो पूरे घर के लिए है, ये कहीं नहीं जा रहा है, तो ये तो मैंने रखा है। इसका जो आउटपुट है एमसीबी में दिया, साथ में एक और कनेक्शन निकाला और वो यहाँ पे मैंने इसमें लगा दिया। अब जैसे ही वो वाला सप्लाई इस बोर्ड में आया, इसके अंदर मैंने लगा दिया है ये स्टेबलाइजर का प्लग, मतलब ये जो चीज़ है इसका ये प्लग है, तो ये क्या करेगा कि मेंस की जो एनर्जी है वो लेगा, इस वायर से जाएगी, वो एनर्जी इसमें आएगी। और अब देखिए लगभग 250 वोल्ट आ रहे हैं गाइस। यही वो चीज़ है जो हमारे सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को नुकसान पहुंचाती है, उनको ख़राब करती है। लगभग मेरे यहाँ पे रात के टाइम पे 250 वोल्ट 255 वोल्ट आना आम बात है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टेबलाइजर लगाया जो कि सेफ आउटपुट देता है। लगभग 216 वोल्ट जो है ये बना के दे रहा है। इनपुट में आप देख लीजिए 250 वोल्ट आ रहे हैं और आउटपुट के अंदर 215-216 वोल्ट के आसपास ये बना के देता है। और वो वाला जो आउटपुट है देखिए ये वाला 216 वोल्ट, ये कहाँ पे जाता है, तो ये यहाँ से निकलता है इसके आउटपुट में, ठीक है। ये मैं वायर वापस लेके गया और उसको दे दिया यहाँ पे। मतलब घर का जो लाइट लोड होता है 6 एम्पियर का जो लाइन होता है जिसमें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, भाई लैपटॉप लगाते हैं हम, टीवी लगाते हैं, मोबाइल चार्जर लगाते हैं, इस तरह की जो सारी छोटी और कीमती चीज़ें होती हैं वो इस आउटपुट से चलती है। मतलब जो स्टेबलाइजर का जो करंट है वो पूरे घर में फैल जाता है एक्सेप्ट द एसी एंड सर्टन हैवी अप्लायंसेस। तो हैवी अप्लायंसेस अलग कर दिए, लाइट हमने जो लोड है वो अलग कर दिया और वो यहाँ से चलता है। साथ में इसका जो अर्थिंग वगैरह है वो मैंने कॉमन कर दिया है, तो अर्थिंग इस बोर्ड में से मिल जाता है, स्टेबलाइजर को भी मिलता है और घर के सारे उपकरणों को भी यहाँ पर जो अर्थिंग है वो मिल जाता है। तो कुछ इस तरह से गाइस हमने क्या किया कि एक ही स्टेबलाइजर परचेज़ किया और एक स्टेबलाइजर की कीमत में हमने घर के एक्सपेंसिव जो भी गैजेट्स थे छोटे वाले, कम कंजम्पशन लेकिन ज़्यादा वैल्यू वाले जो गैजेट्स थे उनको हमने प्रोटेक्ट कर लिया। लेकिन गाइज ये जो स्टेबलाइजर आप खरीदेंगे, इसको परचेस करने से पहले, इसको लगाने से पहले कई सारे ऐसे प्रिकॉशंस होते हैं जो कि आपको फॉलो करने होते हैं, और वो सारे जो प्रिकॉशन है वो मैंने इस वीडियो में समझाए हैं। यहाँ पे एक कार्ड आएगा, इस कार्ड के ऊपर आप क्लिक करके उस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर जा सकते हैं और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। और इस तरह के स्टेबलाइजर का अगर आपको रिव्यू देखना है तो उसका जो कार्ड है वो यहाँ पे आएगा। एक बार ये दोनों भी जो वीडियोस हैं ये जाके ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद में ही आप कोई भी तरह का DIY प्रोजेक्ट कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही गाइस, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।